कोनी में आप सब लोग अच्छे हो यार, मैं भी अच्छी हूँ। सिक्किम में मस्त धूमधाम कर हो रहा है मेरा। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बंजारी फॉल्स में। पहले से तो अच्छा भी बना रहे हैं। पता नहीं हिंदी में मैं समझा नहीं पाऊंगी, मतलब उसको बंजारी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे इतना पता नहीं है, पर आप लोग बस व्यू देख लो। आज हमारा किस्मत इतना अच्छा है, धूप लग गया, इतना दिनों से बारिश हो रहा था। का वेदर इतना अच्छा नहीं है तो कैमरा में इतना क्लियरली अच्छा वो एसडी वाला व्यू नहीं देखने को मिलेगा, पर अपने आंखों से बहुत अच्छा दिखता है। मस्ट विजिट गाइस। आज आप लोगों को बातें कम करूंगी, दिखाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग ब्यूटीफुल गैंगटॉक को आप मेरी वीडियो के थ्रू देख सके, और जितना हो सके जहाँ जहाँ तक जा सकती हूँ मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोग इंजॉय करोगे। जो क्या कर रहे थे, खेलना खेलना अनलाइन भी दिन पड़ने वन देवी जिसको हम पूजा करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे अभी मिलेंगे रास्ते में जिसको यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं, तो आप लोगों को वही मैं दिखाना चाहती हूँ आज के ब्लॉग में। जो हम बोल रहे थे बन जाकरी वाटरफॉल्स, तो वही मैं दिखा रही हूँ अभी। आप लोग आंख बंद करके बैठो, चलो आ जाओ। आंख बंद करोगे तो देखोगे कैसे, सॉरी खोलो। तो दिस इज बन जाकरी वाटरफॉल्स। सब कुछ तो काटो, मेरे को बस की बात है, तू करेगा इधर आजा, तू करना है ये तो डर लग रहा है, ये तो ठीक है। हाँ ये तो कैसे करेंगे, ये तो ठीक है, तो थोड़ा सा ईजी है। ओ माय गॉड, देखो कैसे दौड़ रहा है गाइस। ओ माय गॉड, वो डेमो दिख रहा है, डेमो। गाइस हम इनको बोलते हैं बंजारी, जैसे हिंदी में बोलते हैं हमारा हिंदी में जो तांत्रिक बोलते हैं ना, ऐसे हमारे नेपाली में बोलते हैं बंजारी। तो जब लोग बीमार होते हैं ना, तो उनका ये जो ऐसे डेंडिंग करने वाला है ना, ये ऐसे ऐसे करके लोगों को ठीक करते हैं, और हम लोग बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, नेपाली लोग बहुत मानते हैं जानते को। तो चलो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे ना हम एक घंटा होने वाला है, बस फोटो खींच रहे हैं, चलो। खाली लगाएर फोटो खिच्छ, जति घन्टा पनि आउनु सक्छ। एउटा भएको छैन,
कसरी थियो रातले ओके ए त हाम्रो दाजु एकदम फनी हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल ड्रेस हो कुन चाहिँ ड्रेस हो यो बक्कु बक्कु त मलाई याद छ यो फाइट चस्माहरुमा त तपाईको एता दाको चस्मा बिक्री भएन रे गाइस लाल यो चाहिँ हो हाम्रो सिक्किमको ट्रेडिसनल ड्रेस हो सिक्किममा तिनवटा ट्रेडिसनल ड्रेस हुन्छ त उसमा मैले यो चुज गरेको छु सो गाइस यहाँ पे भी वन जाति का स्टैचू है हस्बैंड एंड वाइफ रियल में इतना डरावना नहीं होता पर पता नहीं स्टैचू में क्यों इतना डरावना बना दिया है हमने ना पूरा का पूरा वाटरफॉल में एक घंटा टाइम स्पेंड किया क्योंकि वीडियो शूट करना था रील्स बनाना था फोटो खींचना था ओ माय गॉड नीचे तो वो भी है म्यूजिक सिस्टम भी है आप जो पहले हम आए थे ना तो पानी नहीं था अहिले चाहिँ घुमेर घुमेर हामीलाई एकदमै भोक लागिसकेको छ गाइस हम लोग अभी बागतंग फॉल्स आ गए मेरे पीछे आप देख सकते हो बागतंग फॉल्स और वहाँ जाने के लिए ना हमने घर से ड्रेस लेके आया था सिक्किम का ट्रेडिशनल ड्रेस जो हमने इससे पहले पैसे दे के खरीद पैसे दे के लगाए थे अलग अलग इन आगे बाहर निकालो बारिश में गाइस हम लोग जैसे पहुंच गए वैसे बारिश स्टार्ट हो गया गाइस देखो आज ही बारिश स्टार्ट हो गया क्योंकि ये जा रही है देखो दोस्त देखो नहीं जा रही है इसी क्यों जा रही है भगवान कैमरा मैन मेरा कैमरा मैन देखो कैमरा मैन देखो गाइस तो बारिश देखो इतना बारिश हो रहा है ना तो मजा गावे गाइस अभी हम जैसे निकले वैसे बारिश हुआ ना जैसे गाड़ी में घुसा वैसे धूप लग गया क्या है ये अब ज्यादा बोला था नहीं नीचे वो वेदर ने साथ दिया वेदर ने साथ दिया अभी जाके देख नहीं बोलना चाहिए था वाओ गाइस देखो मशरूम ये खाने वाला मशरूम है ना अभी पता नहीं नहीं स्मेल तो ऐसे आ रहा है खाने वाला ऐसा हे मत कर वाओ ऐसे ही था इधर नहीं हाँ वहाँ तो अभी हम हैं नॉर्थ सिक्किम पे और अभी मैं जा रही हूँ लेपचा मंदिर विजिट करने के लिए लेपचा एक सिक्किम में कास्ट होता है तो उसी का यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे ना अलग अलग कास्ट का अलग अलग मंदिर होता है जैसे मैं राई हूँ तो राई मंदिर भी होता है लेपचा मंदिर होता है ऐसे और इस बार ना मैं नॉर्थ सिक्किम जाने वाली थी किसी ने मुझे ऐसे सुनने में आया था कि अभी रास्ता बहुत ख़राब है नहीं जा सकता इसलिए मैं लाचुंग नहीं जा पाया जो लाचा लाचुंग 0.0 सिक्किम में ज़्यादातर टूरिस्ट लोग घूमने वहीं पर आते हैं लेकिन कोई बात नहीं आप लोगों में छोटा छोटा जगह तो दिखा ही रही हूँ हम लोग जैसे निकला वैसे बारिश हुआ फिर वहाँ से गाड़ी में चढ़ के आए और इधर आया फिर वहाँ पे भी बारिश हुआ फिर रुके अभी यहाँ पे देखो उधर धूप लग गया किधर अभी तक बारिश हो रहा था अभी यहाँ से उधर जाएंगे फिर बारिश हो रहा होगा अरे मेरा हालत तो दिखा तब पता चलेगा ना वो इधर का कोई भरोसा नहीं है गाइस इसलिए ना वो गला भी ऐसे बैठ गया अभी ठंड होके ना कहाँ पे जाना है नहीं ना हमको पता नहीं था हम यहाँ पे आएंगे इसलिए पूजा करने के लिए हमने कुछ भी सामान लेके नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं मन से पूजा करेंगे तो जो लेपचा कम्युनिटी का जो लोग होते हैं वो किस तरह का ड्रेस पहनते हैं दिखा है ना और यहाँ से ऊपर भी बहुत अंदर तक जाने का रास्ता है ठीक है आप लोग ऐसे हाइक करके जा सकते हैं ऊपर ऊपर लेकिन हम नहीं जाएंगे हमारे पास टाइम नहीं है हमको अभी कुछ और जगह भी घूमना है बस आप लोगों को दिखाने के लिए गाइस आज हम लोग बारिश
इतना हो रहा था, बारिश में भी निकल गए, नीचे धूप आ गया था और ऊपर अभी इतना बारिश में भीग भीग के आप लोगों को बस सिक्किम दिखाने के लिए। और बालाही में आप मतलब बहुत अच्छा अच्छा जगह नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि अभी इस मंथ को वेदर ही ऐसा है सिक्किम का, लेकिन जो छोटा मोटा जगह है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहती हूँ और आप लोग भी जब सिक्किम आएगा तो ज़रूर विजिट करना, है ना मैम जी। इतना दूर से बारिश इतना भयंकर हो रहा था रास्ते में, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, आप लोग बस ये वाला फल दिखा दीजिए। हम लोग इतना दूर से आया, इतना स्ट्रगल किया, इतना सर दर्द हो रहा है ना, क्या बताऊँ, बारिश इतना हो रहा है, सर दर्द इतना हो रहा है, ये फॉल्स देखने के लिए आए। मुझे ना दिन में ये वाला वाटरफॉल्स देखना था, लेकिन ना हम लोग कुछ दूरी चले गए, वहाँ का भी अच्छा है लेकिन उससे बेस्ट तो ये गाइस बहुत बिल्कुल, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं, इतना ठंड लगा है ना, बहुत ठंड लगा है, पर इतना मुझे ना वहाँ पे जाने का मन कर रहे हैं वहाँ पे ना, लेकिन अभी इतना ठंड है और रात भी हो गया तो मैं इसको जंप करके जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे अभी मैं वीडियो शूट करी थी ना जो वाटरफॉल था ब्यूटीफुल वाला, और वहाँ से मैं जब आ रही थी ना, हम लोग जब आ रहे थे तो हमारे आगे एक कार था वो चला गया, वो कार क्रॉस हो पाया लेकिन हम क्रॉस नहीं हो पाया, वहाँ रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा वो ट्री होता है ना वो गिर गया है और रास्ता जाम हो गया, पता नहीं ये गाड़ी क्यों उधर जा रहा है, वहाँ पर इतना ट्रैफिक हो गया है। और देखो गाइस इतना ये क्या बोलते हैं इसको ना, देखो ऊपर इतना पत्थर ये सब है, बहुत रिस्की है इस रोड में गाड़ी रख के खड़े होने के लिए, मुझे तो बहुत डर लगा, और उधर तो गाड़ी रखना बहुत रिस्की है, हमने बोला ड्राइवर भैया को इधर आके बैठेंगे, पता नहीं गाड़ी क्यों ऐसे घुस रहा है, बहुत बड़ा पेड़ उधर गिर गया है तो मैं अभी जाके नहीं। तो देखो गाइस यहीं पर ये गिर गया रास्ते के बीचों बीच, एकदम रिस्क बड़ा रोड है यार, ऐसा लगा था अब कहाँ से जाएंगे हम, बहुत डर गए थे वो कसम से, ये वाला रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता ना तो हम कौन सी वाले रास्ते से जाना पड़ता, हमको मंगल हो गया जाना पड़ता, और ना हमको कल हम कल ही पहुँचते, आज तो नहीं पहुँचते, कल सुबह कल पहुँचते, ऐसा होता तो अच्छा होगा सब। सो गाइज अभी मैं हूँ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस ऑफ कैंटो जिसको बोलते हैं एमजी पार्क, तो मैं ना आज हमारा हम दोनों का तबीयत सही नहीं है, बहुत बुखार जैसा हो रखा है, पानी भी बारिश में बहुत भीग गए थे, लेकिन बस आप लोगों को एमजी पार्क बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि ना कल शायद मैं नहीं आ पाऊँगी, क्या पता आऊँ या ना आऊँ, तो मैंने सोचा कि आज ही। इस मतलब इतना ठंड तो नहीं है पर हम बारिश में बहुत भीग गए हैं ना उसकी वजह से, मैं तो ऐसे ऐसे इसको दिखा रहा हूँ, ये देख बेचारे, इधर देख पहन चाहिए, ये देख ठंड बहुत है।
इसका जैकेट, ये इसका जैकेट पहना है ना मैंने। गाइस इसके ऊपर ना लाइव म्यूजिक हो रहा है, जाना है यहाँ पर। आके आ जा नहीं। दिल्ली से दूसरा पांडा भी आ गया है। इस तो दोस्त को मिलने किया है। गाइस बचपन में ना मैं, बचपन में नहीं जब पहले सिक्किम में रहती थी तो मैं ना, मुझे टाइटन और फास्ट ट्रैक का वॉच बहुत पसंद है। अभी भी मैं हमेशा वॉच पहनती हूँ, मुझे वॉच का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा यहाँ पे आती थी ये वाली स्टोर पे। जैसे मतलब मेरे पास अगर 3,000 भी हो, 4,000 भी हो ना, तो मैं यहाँ पे आती थी वॉच खरीदने के लिए। बैटरी भी अभी तो बस 8% बच गया है, पता है तुझे। गाइस के भन्छ, मैले चाहिँ अब यस्तो इमर्जेन्सी, मलाई भोलिको लागि टी सर्ट चाहिरहेको छ नि त होइन, अन्त पस्नु त पसेँ, कहाँ पसेँ पसेँ, हेरेर मन पनि पराएँ होइन। एउटा ट्राउजर पनि मन पराएको थिएँ, ट्राउजर त भाइ साहब मैले ट्राई गरेर यस्तो हेर्दा हेर्दा 5,000 पनि कतिको रहेछ। अन्त यो टी सर्ट चाहिँ मैले ल्याएँ, कति 2600 क्या, कति सौको टी सर्ट थे, यहाँ लेना एक्सचेंज होला। अब मैंने ऐसे खरीद के लेके आया, ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि कहाँ कौन सी ब्रांड का लेके आया, मुझे पता ही नहीं। और मैंने ऐसे बैग देखा ना, ये वाली ब्रांड से लिया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, अभी भी पता नहीं कौन सी ब्रांड से टी शर्ट लिया, ठीक है। अभी घर जाके देखना पड़ेगा टी शर्ट में, क्योंकि मैंने ये वाली ब्रांड का कभी पहले लिया नहीं था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, भले एक दिन पहनेंगे, पर ले लिया, अब क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उधर दिल्ली जैसा हर जगह पे कपड़ा का दुकान ही नहीं। गान्तोकमा चाहिँ नयाँ सपिङ मल बनिँदै रहेछ गाइस, यस्तो मजाको, यो उयो जस्तो छ, मोनेस्ट्री जस्तै उयो डिजाइनको बनाएको नि अगाडि। पहिला चाहिँ यहाँ सिङतामको मतलब ट्याक्सी स्ट्यान्ड थियो।